हेलो एवरीवन, अकाउंटिंग टर्म्स में जो कुछ सारे टर्म्स का मतलब समझना रह गया था उसे इस वीडियो में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाउचर्स। ये वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक। वाउचर्स क्या बोलते हैं? प्रमाणक। प्रमाणक यानी प्रमाण देना, प्रूफ देना। तो भाई ये वाउचर्स क्या है? तो बिजनेस में जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका जो डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूफ होता है उसे वाउचर्स बोलते हैं। सपोज बिजनेस ने कहीं से गुड्स खरीदा तो उसे वहां से क्या एक परचेज का बिल तो मिलेगा ना, परचेज का इनवॉइस। वो इनवॉइस जो उस परचेज को प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। या बिजनेस ने किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, फर्म ने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया, तो वो क्या करेगा? उस एम्प्लॉय से अपने सैलरी रजिस्टर पे साइन करवाएगा। तो यहाँ पे जो सैलरी दिया उसका प्रूफ क्या है? उसे सैलरी देने का प्रूफ है वो उस एम्प्लॉय द्वारा उस सैलरी रजिस्टर पे साइन करना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्री कागजात के रूप में प्रूफ होते हैं ट्रांजेक्शन्स के, उसे वाउचर्स कहते हैं। तो ये है वाउचर। उसके बाद आते हैं डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट, जिसे क्या छूट, हिंदी में छूट या कटौती या बट्टा भी कहते है ना हिंदी में। तो ये डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट यानी गुड्स का जो वैल्यू है, फर्म ने जो गुड्स बेचा, बिजनेस ने जो गुड्स बेचा उसका जो वैल्यू है उससे कुछ कम पैसे लेना, मतलब कि थोड़ा कंसेशन दे देना, रियायत दे देना। तो ये जो रियायत दिया गया, ये जो छोड़ दिया गया पैसा, ये डिस्काउंट होगा। सपोज फर्म ने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा, ठीक है, लेकिन पार्टी से 10,000 नहीं 9,500 9,500 ही ले रहा है। तो क्या हो गया? ये जो डिफरेंस है 500 रुपया, ये क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब सीधा सा बात है कि जो वैल्यू बनता है उससे कुछ कम पैसे लेना, बाकी छोड़ देना, ये हो गया डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट अलग अलग तरह का हो सकता है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट, तीसरा स्पेशल डिस्काउंट और चौथा कॉमोडिटी डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या भाई? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये बिक्री को बढ़ाने के लिए, कस्टमर ज्यादा, कस्टमर की संख्या बढ़ाने के लिए। सीधा सा कस्टमर की संख्या जैसे ही बढ़ेगा तो सेल तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना, तो सेल को बढ़ाने के लिए दिया गया डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट है ये उधार और नगद दोनों तरह के खरीदारी पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। और याद रखना है कि जिसमें ट्रेड डिस्काउंट लिखा है वहां पे ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू बच रहा है उसी का रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसी को लिखा जाता है। कहने का मतलब ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये उधार और नगद दोनों ही तरह के खरीदारी पे दिया जाता है। उसके बाद में आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मोटिव क्या है? कि खरीदने वाले को ज्यादा से ज्यादा कैश में परचेज करने के लिए मोटिवेट करने के लिए, कि वो ज्यादा से ज्यादा कैश में परचेज करे, उसके मतलब कैश परचेज को प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ये कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब वो खरीदने वाला तुरंत कैश में पेमेंट कर रहा है, या एक स्पेसिफिक पीरियड 5 दिन 10 दिन के अंदर ही कैश का पेमेंट कर देगा, ऐसा कुछ है, तो वहां पे क्या होता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। उसके बाद में स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? कि बिजनेस अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो पहले से उसके कस्टमर है, उसको बनाए रखने के लिए उसे बाकी के तुलना में अलग से कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसका कहने का मतलब है कि ये डिस्काउंट अपने जो ग्राहक है उन्हें बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला ये डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट आमतौर पर नए कस्टमर को वो नहीं देती है बिजनेस, ये उन्हें जो कि उसके पहले से कस्टमर है उन्हें खुश करने के लिए इस तरह का डिस्काउंट देती है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल डिस्काउंट। हाँ, इसके अलावा ये स्पेशल डिस्काउंट हो सकता है अपने सगे संबंधी रिश्तेदार, वो आए अपने यहाँ खरीदने के लिए कि भाई अपने रिश्तेदार का दुकान है, चलो कुछ तो सस्ता मिल जाएगा, हो सकता है उन लोगों को भी इस तरह का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो और उसके बाद कमोडिटी डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट क्या है? कि वहां पर नगद में कुछ नहीं, पर हाँ जो प्राइस मिल रहा है उसी पर ज्यादा सामान दे देना उसे। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा एड वगैरह में कि 3 साबुन पे 1 फ्री, मतलब 3 का दाम देना है और 4 साबुन मिल जाएगा।
तो ये भी डिस्काउंट हो गया। पर यहाँ पे कैश में कुछ छोड़ा नहीं जा रहा, क्या किया जा रहा, सामान ही बढ़ाकर दे दिया जा रहा है। तो ये हो गया कॉमोडिटी डिस्काउंट। तो ये कर लिया हम लोगों ने डिस्काउंट। उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन जिसको कि लेन देन, आदान प्रदान, मतलब जहां पे कि कुछ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, बिजनेस का हर एक वो इवेंट, हर एक वो घटना जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज ले आए, बदल उसको बदल दे, वो क्या है, फाइनेंशियल इवेंट या वो ट्रांजेक्शन है। तो भाई हर एक वो इवेंट जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बदल दे, याद रखना, अदर देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई फर्क कुछ कोई चेंज आ रहा है उससे मतलब नहीं है। यहां ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन को चेंज कर दे, तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो वो कैसे होगा, सपोज गुड्स खरीदा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, गुड्स बेचा, यहाँ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। जब गुड्स खरीदा तो क्या हुआ, गुड्स खरीद कर आ गया, और अगर नगद में खरीदा तो अपने पास से कैश जाएगा, बिजनेस से कैश जाएगा, और अगर उधार में खरीदा तो एक हमारा महाजन, एक क्रेडिटर हमारा खड़ा हो जाएगा। उसी तरह गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा अगर उधार में बेचा तो एक डेटर्स हमारा बन जाएगा और गुड्स हमारे पास से घट जाएगा, और नगद में बेचा तो गुड्स हमारे पास से जाएगा और हमारे पास कैश आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन होने से फाइनेंशियल पोजिशन में चेंज आ रहा है। आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो क्या ये एक एक्सपेंस हो रहा है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन में चेंज ले आता है, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन को बदल दे रहा है, वो हमारा ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, एक कैश में, एक क्रेडिट में, नगद में, उधार में। जहां पे कैश का ट्रांजेक्शन तुरंत हो गया, उस इवेंट में कैश का ट्रांजेक्शन तुरंत हो रहा है, वो कैश ट्रांजेक्शन है, और जहां पे उसका कैश का ट्रांजेक्शन जो है बाद में फ्यूचर में होगा, वो हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो ये ट्रांजेक्शन समझ में आया कि कोई भी तरह का लेन देन, कोई भी तरह का इवेंट बिजनेस का जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन को बदल दे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये डेटा हम लोगों ने देखा तो उसी से मिलता जुलता। तो बिजनेस में, बिजनेस को जो भी कुछ पैसे मार्केट से लेने हैं वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होता है भाई, ट्रेड रिसीवेबल बराबर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों का जो टोटल योग है, एडिशन है, वो है ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल मतलब बिजनेस को जो भी कुछ पैसे दूसरों को चुकाने हैं, देने हैं, वो बिजनेस का ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल बराबर क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, ये हो गया। उसके बाद में आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी बिजनेस का वो रुपया मार्केट में जो है, बिजनेस का वो रुपया अब आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी बिजनेस का वो रुपया जिसकी वसूली अब नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती, मतलब वो रुपया डूब गया मार्केट में, इसे बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण या अप्राप्य ऋण। तो जो पैसा बिजनेस का जिसके मिलने का चांसेस अब खत्म हो गया, उसे नहीं वसूल किया जा सकता, वो बिजनेस का बैड डेट्स है। और फिर उसके बाद डाउटफुल डेट्स। ये डाउटफुल डेट्स क्या है, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डाउट बना हुआ है, मिल भी सकता है या हो सकता है डूब भी जाए, तो ये हो गया डाउटफुल डेट्स। उसके सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडिविजुअल सॉल्वेंट कब है, जब वो अपने सारे कर्ज को, जब वो अपने सारे लायबिलिटीज को पे करने में, चुकाने में सक्षम है, तो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और उसी का उल्टा इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट यानी क्या, जब कोई बिजनेस अपने एसेट्स, जितने भी सारे एसेट्स हैं जो भी है उसके पास, उससे वो अपने लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम नहीं है, मतलब उसका सारा संपत्ति बेच भी दिया जाए तो भी उसका लायबिलिटी को नहीं पूरा चुकाया जा सकता, तो वो होता है इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यानी जो अपने लायबिलिटीज को चुकाने में सक्षम है, और इंसॉल्वेंट यानी वो
जो कि अपने लाइबिलिटीज को नहीं चुका पाएगा वो इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, अब फाइनली आते हैं इस पे, क्या है अकाउंट। तो अकाउंट वो जगह है जहां बिजनेस के सारे हेड्स को अलग अलग छांटकर लिख लिया जाता है और सारे हेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसे उन्हीं हेड में लिख दिया जाता है। इसे इस तरह से समझते हैं कि जैसे बिजनेस में परचेज भी हो रहा है तो परचेज एक हेड हो गया, सेल्स एक हेड हो गया, ठीक है, सैलरी एक हेड हो गया, इसी तरह बिल्डिंग एक अलग हेड हो गया, इस तरह से अलग अलग हेड हो गया। अब क्या होता है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है ना, तो वो तो एक ही जगह किया गया, परचेज चाहे परचेज हुआ चाहे सेल हुआ चाहे बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन हुआ चाहे सैलरी का सैलरी पे किया, तो ये सारा एक ही जगह लिखा है। पर अकाउंट में क्या करता है सबको अलग है। परचेज चूंकि क्या है कि परचेज एक ही बार नहीं हुआ होगा, सेल्स एक ही बार नहीं हुआ होगा साल पूरे साल में, कई बार हुआ होगा, बिल्डिंग से रिलेटेड भी जो ट्रांजेक्शन है कई बार हुए होंगे, या सैलरी भी हर महीने दिया गया होगा, तो ये कई बार हुआ है जो एक ही साथ वहां पे है। तो जब हमको सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए सेपरेट, वो हमें इस अकाउंट से मिलेगा क्योंकि यहाँ सबको अलग अलग छांट दिया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसे उन्हीं में लिखा जाता है, इसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसका दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मतलब बाएं साइड लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ये अकाउंट का ये होता है अकाउंट, समझ में आया। अब ये अकाउंट जो है दो तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या, तो जो किसी जिस अकाउंट का पहचान उसके नाम से होता है, मतलब किसी के नाम का अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे राम्स अकाउंट, मोहन से अकाउंट, रिलायंस कंपनीज अकाउंट, टाटा मोटर्स अकाउंट, ये जो अकाउंट सारे क्या है वो अपने नाम से, टाटा मोटर्स, रिलायंस कंपनी, राम्स अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सभी अपने नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। और इम्पर्सनल अकाउंट दूसरा होता है। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जिसका पहचान उसके नाम से नहीं होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है, जितने भी सारे एसेट हैं, एसेट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में कि एसेट क्या होता है, तो जितने भी सारे एसेट हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, जैसे चाहे बिजनेस का लैंड हो, बिल्डिंग हो, मोटर कार हो, फर्नीचर हो, ये सारे रियल अकाउंट है, जितने भी सारे एसेट हैं, चाहे करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है ना, सारे के सारे रियल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आता है दूसरा पार्ट क्या, नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस जितने भी है या इनकम जितने भी है और प्रॉफिट जितने भी है और लॉसेस जितने भी है, मतलब इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉसेस ये सारा, आय व्यय मतलब आमदनी और खर्च, लाभ और हानि, ये सारा नॉमिनल अकाउंट, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स को कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने सीधे इसी वीडियो को देखा है तो पीछे वाला वीडियो भी देखें, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे पहला एक वीडियो डाला था, ये दूसरा है, और ये देखने के बाद में अकाउंट में जो सारे टर्म यूज में आते हैं उसके क्या मतलब है आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।